हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाव मम्मी। आज हम बना रहे हैं तुरई मूंग की दाल। ये तुरई की सब्ज़ी है मूंग की दाल के साथ में। ये बहुत टेस्टी बनती है। ये कैसे बनती है मैं आपको बताती हूँ। तुरई मूंग की दाल बनाने के लिए हमने ये हाफ के जी तुरई लिए। तुरई इस तरीके से होती है, ऐसी तुरई होती है। कभी भी तुरई आप पहले टेस्ट कर लीजिए। इसको ऐसा छोटा सा तोड़ना है और इसे आपको ज़बान पे लगा के देखना है। अगर ये कड़वी होगी तो आपको बिल्कुल भी तुरई नहीं लेनी है। अगर ये मीठी होगी तो ही आपको लेना है, अदरवाइज़ आपका पूरा मसाला ख़राब हो जाएगा और आपकी तुरई अच्छी नहीं बनेगी। आपको ऐसी लेनी है, आपको पहले टेस्ट कर लेना है और फिर इसके बाद इसका इस तरीके से पीलर से आपको इसको पील कर लेना है और इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेने हैं। ये तुरई है, इसको बीच सेंटर से कट करेंगे और इसके मोटे मोटे पीसेस करेंगे, एटलीस्ट इतने मोटे मोटे, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती है और एकदम सॉफ्ट हो जाती है। इसके लिए आपको थोड़े बड़े बड़े पीसेस कट करना है। ये हमने तुरई को पूरा कट कर लिया है और ये हमने मूंग की दाल को भिगा के रखे। ये मूंग की दाल है, इसे आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर भिगा के रखना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। मूंग की दाल तुरई बहुत टेस्टी बनती है, मैं आपको बताती हूँ कैसे बनेगी। मूंग की दाल तुरई बनाने के लिए हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिए। ये 2 चम्मच तेल है, इसमें हम 1 चम्मच ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा क्रैकल हो जाएंगे तो हम इसमें 1 चम्मच हींग डालेंगे। ये अनियंस हैं, मैंने 2 अनियंस मोटे मोटे रफली चॉप किए, अब हम वो डाल देंगे इसमें। इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक हमारे अनियंस ब्राउन नहीं हो जाते हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। अब ये अनियंस हमारे अच्छे से ब्राउन हो गए, आपको ये पॉइंट तक अच्छे से फ्राई करना है अनियंस को। अब इसमें हम 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन है, ये मोटा मोटा कूटा हुआ है, एकदम बारीक पेस्ट नहीं है, आपको वो डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। अभी हमारा जिंजर गार्लिक जब तक अच्छे से भूनता नहीं है हम इसे अच्छे से पकाएंगे। अब ये अनियंस हमारे अच्छे से फ्राई हो गए और इसमें जो हमने अदरक लहसुन डाले थे वो भी अच्छे से फ्राई हो गए। इस पॉइंट पे हम इसमें 2 कटे हुए टमाटर डाल देंगे, रफली चॉप टमाटर है ये भी, हमें वो डालना है। इसे अच्छे से मिक्स करना है। टमाटर डालने के बाद हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे ताकि हमारे टमाटर जल्दी से गल जाए। इसे मिक्स करेंगे। अब हमारे टमाटर जब तक सॉफ्ट नहीं होते हम इसे थोड़ी देर पका लेंगे। इसमें 1/4 स्पून हल्दी डालेंगे, हल्दी ज़्यादा नहीं डालनी है आपको, थोड़ी ही डालनी है। 1 चम्मच धनिया पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे टमाटर जल्दी से गल जाए और हमारा मसाला जले भी नहीं। अब इसे कवर करके हम थोड़ी देर पकाएंगे, गैस फास्ट कर लेंगे और थोड़ा टमाटर्स को हम अब मैश कर लेंगे। जो हमारे टमाटर गले नहीं है उसे थोड़ा सा मैश करके पका लेंगे। ये बहुत अच्छे से गल गए हैं टमाटर। अब इसमें मैं 2 हरी मिर्ची डालूँगी, ये स्लिट की हुई हरी मिर्ची है, हम वो डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और 1/2 स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे। ये एवरेस्ट का तीखा लाल रेड चिली पाउडर है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, तरी भी ऊपर आ गई है। हमने मूंग की दाल को अच्छे से भिगा के रखा है, एटलीस्ट 1/2 आवर के लिए आप भिगा के रखिए ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और अब हम वो डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे मसाले में हम थोड़ी देर अच्छे से भून लेंगे मूंग की दाल को। जब मूंग की दाल अच्छे से तेल में भून गई हमने इसमें 1 कप पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये पानी इसलिए ताकि हमारी मूंग की दाल अच्छे से गल जाए। तेल में अच्छे से भून गई है और उसके बाद हमने 1 कप पानी डाले। अब इसको हम मीडियम गैस करके हम थोड़ी देर के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी मूंग की दाल गल जाए। आपको 1 कप पानी डालना है। 5 मिनट बाद हम ढक्कन खोल के देखेंगे हमारी मूंग की दाल गल गई है या नहीं। अच्छे से गल गई है, थोड़ी सी बाकी है लेकिन हम अब तुरई डाल देंगे इस पॉइंट पे, क्योंकि हमें तुरई को भी पकाना है। आपको मूंग की दाल पूरी गलानी नहीं है। अब ये जो हमारी 1/2 केजी तुरई है हम वो डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तुरई पानी छोड़ता है, इसके लिए आपको पहले मूंग की दाल का पूरा पानी ड्राई करना है। मूंग की दाल एकदम गलनी नहीं चाहिए, थोड़ी सी कड़क रहेगी तो चलेगा। अब इस पॉइंट पर आप इसे मिक्स करिए। अभी इसमें नमक मिर्ची टेस्ट कर लेना है।
ये 2 मिनट में तुरई गल जाएगी। लिड कवर करके 5 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे ताकि हमारी तुरई गल जाए। अब हम खोल के देखेंगे कि हमारी मूंग की दाल तुरई गल गई है कि नहीं। ये बहुत अच्छे से गल गई है, हमारी मूंग की दाल भी गल गई है और तुरई भी। आपको इसको 10 मिनट तक पकाना है तुरई को। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये हमारी मूंग की दाल तुरई रेडी हो गई है। इसे हम थोड़ी सी कोथमीर से गार्निश करेंगे। हमारी तुरई बहुत अच्छे से गल गई है। आप इस तरीके से बना के देखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।